हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, बीजेपी वालों में कहां दम था। ओ मेरे अमेरिका और यूरोप के चाटुकार नेटो के गुलामों, यूरोप अमेरिका इज़राइल और इनके जितने भी गुलाम हैं ये सब नेटो है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। भैया रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में वॉर हो गया और हमारे देश के अंदर हमसे लोग पूछ रहे हैं, खास करके मुसलमान, कि भैया हम किसको सपोर्ट करें, हमें किसकी तरफ रहना चाहिए। तो हम कह रहे हैं जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की, हमें तो मुल्लों ने लूटा, नेटो में कहां दम था। अरे भैया देखो, जितने भी लोग रशिया को आतंकवादी कह रहे हैं, रशिया को हिटलर कह रहे हैं, खास करके ध्रुव राठी, भैया देखो हम हैं गरीबों के पीएम। ध्रुव राठी आप हो गए इंडिया के नंबर वन यूट्यूबर, लेकिन हमारे सामने तुम पानी कम चाय हो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं आपको, देखो भैया ये जमीन पूरी की पूरी महादेव की है, हम ना रशिया की तरफ है ना हम यूक्रेन की तरफ है, लेकिन अगर तुम कहोगे कि रशिया आतंकवादी है तो है ना हम तुम्हारे पिछवाड़े में ना डाल देंगे और डाल के खोल देंगे, समझ में आ रहा है। ओ ध्रुव राठी, ध्रुव राठी की वीडियो जाकर देखो, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 सबके बारे में एक्सप्लेन किया है भाई ने, और अब जाके उसने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में रशिया को बना दिया विलन। भैया हमारे दुनिया के अंदर जितने भी लोग इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं या तो गोदी मीडिया को देखते हैं, ये सबके सब ब्रेन वॉश्ड है। अगर आपको नॉलेज चाहिए ध्रुव राठी, तो आपको कुरान खोलना पड़ेगा महादेव की। महादेव की कुरान के अंदर लिखा है कि ये पूरी जमीन महादेव की है, महादेव के भक्तों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम सब महादेव के भक्तों, ठीक है। और तुम महादेव के भक्तों को ये जमीन पर जहां मांगता है वहां तुम घूमो फिरो, घर बनाओ, रहो, खाओ पियो ऐश करो, महादेव की जमीन है, पूरी दुनिया महादेव ने बनाया है। तो रशिया कौन है, यूक्रेन कौन है, ये छोटी सी लकीर खींच के तू वो तेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ऐसा महादेव के पास नहीं चलता है। जैसे हम इंडियंस है, एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे यहाँ पे घर के बाहर वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बांट बांट के नहीं जीते हैं, लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। हाँ हमारे इंडिया के अंदर बीजेपी आरएसएस वाले हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, सेम गोबर, इससे खतरनाक गोबर ध्रुव राठी के दिमाग में भरा हुआ है, ठीक है। तो ये दुनिया पूरी महादेव की है, तुम जहां चाहो वहां रह सकते हो, लेकिन आज के दौर में अगर तुम हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान में जाकर रहोगे ना, तो तुमको वहां की पुलिस पकड़ के बोलेगी आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र है आपके पास, और आप पाकिस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान का आधार कार्ड दिखाओगे तो वो तुमको जेल में डाल देगा। इसका मतलब इस महादेव की जमीन पर किसी का कब्जा हो गया है, और वो लोग है ना कंट्री कंट्री खेल रहे हैं, हम इंसान लोग हैं, पूरी जमीन महादेव की है और हम जहां चाह वहां रह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रह सकते, किसी का कब्जा है, उसका नाम है दज्जाल, मसीहू दज्जाल, धोखेबाज, उसने ना पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, और वो वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है। और रशिया बोलता है कि हम तेरे बाप के नौकर थोड़ी है,
जो तेरे गुलाम बनेंगे। पूरी दुनिया बनना चाहती तो बन जाए, हम नहीं बनेंगे। तो उस दज्जाल ने ना यूक्रेन को है ना थोड़ा सा सपोर्ट किया, यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ाया, यूक्रेन को बोला तुम लड़ो हम हैं तुम्हारे साथ में। कौन कौन बोला? नेटो वाला बोला। नेटो के अंदर जो अमेरिका है, यूरोप है, बड़े बड़े सुपर पावर्स है, इन लोगों ने बोला यूक्रेन तुम लड़ो हम हैं तुम्हारे साथ। अगर किसी ने यूक्रेन को हाथ भी लगाया तो हम उसके हाथ पर तोड़ देंगे, ऐसा बोला था। ओ ध्रुव राठी, तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर्स है ना, तुम सारे के सारे आके ना हमसे जीत नहीं सकते, तो सोशल मीडिया पे हमारे चैनल्स डिलीट होते हैं। और हम आपको क्या कह रहे हैं, रशिया से जो भी पंगा लेगा समझ जाओ उसने महादेव से पंगा लिया। इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से बोल रहे हैं। जब सबका वोटिंग हुआ रशिया के खिलाफ वोट करो, रशिया हिटलर बन गया है, रशिया खून खराबा करना चाहता है, रशिया वर्ल्ड वॉर 3 लाना चाहता है, तो इंडिया ने वोट नहीं किया। क्यों? ओ ध्रुव राठी, खाली तुम्हारे पास में अक्कल है क्या? बड़ी एसहोल, ऑल शिट इज स्टक इन योर माइंड। समझ में आया? दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त, विलन को हीरो और हीरो को विलन। अबे घोचू, यूक्रेन को पता है कि मैं बहुत छोटा सा हूं, कमजोर हूं, तो क्यों नेटो की बात माना, क्यों नेटो के साथ में दोस्ती करने गया? नेटो वाले चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए जिसके अंदर सारे के सारे लोग गुलाम बन जाए, हम बादशाह बन जाए। रशिया बोल रहा है कि तेरे बाप का राज चल रहा है, साला पुष्पा है अपन भी, झुकेगा नहीं सारा। समझ में आया? तो जो रशिया के बीच में आएगा उसकी बैंड बज जाएगी। तो हमारे इंडिया वाले वेल्डन, हमने हमारे स्टेटस पे डाला है लोगों को जगाने के लिए कि इंडिया ने जो रशिया का साथ दिया है, खामोश रह के जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये जिसने किया है ना वो रशिया नहीं है, वो जिसने किया वो नेटो है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 उसी ने कराया। वर्ल्ड वॉर 2 कैसे खत्म हुआ? नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका ने बॉम्ब फेंका, जापान के अंदर इंसानियत खत्म कर दी। अब नेटो बोल रहे हैं ये देखो यूक्रेन का क्या हाल कर दिए। मतलब हमारा मोदी जी बोलेगा, हमारा मोदी जी तुम्हारे लिए दुश्मनी लेगा, उसके बाद में तुम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 कर देगा। मतलब पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर हावी हो जाएगी और अमेरिका, यूरोप और इजराइल पूरी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। रशिया चूतिया नहीं है ध्रुव राठी, तू और तेरे जैसे जितने भी मॉडर्न वेस्टर्न सेक्युलर है ना वो लोग चूतिए हैं। यू पीपल आर ब्लाइंड, यू कैन नॉट सी व्हाट वी मुस्लिम्स कैन सी। कम आई शो यू व्हाट इज देयर इन कुरान। कुरान में लिखा है, महादेव की किताब में, एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में करप्शन फैल जाएगा, तब तुम लोग मेरा देश मेरा वतन हम लोग तुम लोग, हम लोग अच्छे तुम लोग बुरे, हम लोग पढ़े लिखे ज्ञानी तुम लोग अनपढ़ जाहिल गवार, ऐसा दौर आ जाएगा। हम इंडिया को ब्लैक्स बोलते वो गोरे लोग, अपने आप को वाइट बोलते वो गोरे लोग जो पूरी दुनिया के अंदर धर्म को मिटाने आए हैं, दीज आर द बिगेस्ट टेररिस्ट पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रशिया खड़ी हो गई है लड़ने के लिए। यूक्रेन प्यादा है किसका? नेटो का। नेटो का प्यादा आगे आ रहा है तो रशिया ने उसको है ना कब्जा ही कर लिया, ला चल हट। समझ में आया क्या ध्रुव राठी? तेरे जितने भी फॉलोअर्स है ना सब चूतिए, मैं आपके जितने भी चूतिए फॉलोअर्स है ना उनको इनवाइट कर रहा हूं मेरे चैनल पे, राकेश एक्स। मैं कौन हूं? राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो रशिया से जो टकराएगा, महादेव कह रहा है वो मिट्टी में मिल जाएगा। समझ में आया? अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था
नेटो ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। यमन के ऊपर अटैक किया, सीरिया के ऊपर अटैक किया, इराक और ईरान के ऊपर अटैक किया, ये 100 साल के अंदर कितने मुसलमान देशों के ऊपर नेटो ने अटैक किया। बदला रशिया लेगा सबका, सबका बदला लेगा, समझ में आया। ध्रुव राठी जैसे जितने भी मॉडर्न वेस्टर्न चूतिए हैं, सब दज्जाल के जाल में फंस गए हैं। दज्जाल का काम है ब्रेन वॉश करना, पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश करना, हीरो को विलन दिखाना और विलन को हीरो दिखाना। तो यूक्रेन के अंदर बहुत चर्बी थी, यूक्रेन की चर्बी निकल गई। और कौन है, और कौन है रशिया से लड़ने वाला, आओ सामने आओ, तुम्हारी मां की आग। महादेव ने कुरान में कहा रूस, रशिया, रोमन एम्पायर, वो पहले बहुत बड़ा बादशाह था, वो फिर बनेगा बादशाह, फिर बनेगा बादशाह पूरी दुनिया पे, फिर से उसकी हुकूमत होगी। तो ये दज्जाल जो अमेरिकन यूरोपियन पब्लिक के साथ में इंटरनेशनल मीडिया लेकर, गोदी मीडिया लेकर लोगों को चूतिया बना रहा है, हमारे मोदी जी जाके बात करेंगे, चूतिये दिख रहे हमारे मोदी जी, हा? हमारे मोदी जी जाके बात करेंगे, रशिया हमसे लड़ेगा और पूरी दुनिया फिर रशिया से लड़ेगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, कोई रशिया के बीच में जाएगा नहीं। जितने भी लोग रशिया के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं वो सब दज्जाल के फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुसलमानों। हम कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर है तमाम। याजूज माजूज जानता है क्या ध्रुव राठी, खाली तेरी वीडियो हम लोग देखेंगे, हम लोग रिप्लाई नहीं दे सकते, गरीब की औलाद है हम लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद में सबसे स्मार्ट कौन, मैं, इंडिया में सबसे स्मार्ट बाबा साहेब अम्बेडकर, रैंक 1। रैंक 2 कौन, मैं, कोई नहीं, दूसरा मैं, ठीक है। प्लीज इंडिया के अंदर मैं गरीबों का पीएम राकेश एक्स, मुझसे आके इंटरव्यू पे बात करो, फोन नंबर है 8850698338। वर्ल्ड वॉर 3 होके रहेगा, मैं 3-4 साल से बोल रहा हूं सोशल मीडिया पे, मेरा चैनल डिलीट कर देते हैं, मेरा जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सब बंद कर देते हैं, हमारी आवाज को नहीं रोक सकते, जब तक जिंदा है तब तक कहते रहेंगे जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। वर्ल्ड वॉर 3 होगा, रशिया जीतेगा और रशिया कुस्तुनतुनिया को फतेह करेगा, समझ में आया। कैसे, ये सब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, जो नबी का दीवाना है उसे सब पता है, समझ में आया कि नहीं आया। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो मुल्क है, मुल्क परस्त इनको कुछ नहीं पता, जो तौहीद परस्त है उनको सब पता है। तो जो नेशन नेशन, मेरा नेशन, तेरा नेशन, ये नेशन किसने बनाया, दज्जाल ने बनाया, समझ में आया। अब यो नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, उसके लिए धूम धड़ाका होना चाहिए, न्यूक्लियर वॉर होना चाहिए, उसके अंदर हम इंडिया वाले रशिया के साथ में कुछ नहीं करेंगे, हम रशिया के साथ है और साथ में ही रहेंगे। महादेव जिसके साथ में उसी के साथ में रहना पड़ेगा ना, रशिया के साथ महादेव है, और महादेव ये जो इंसानियत को कब्जा करने वाली गोरी चमड़ी है ना, इनकी अभी बैंड बजने वाली है, अभी अमेरिका बर्बाद होने वाला है, तुम देखते जाओ, देखते जाओ, अमेरिका का पूरा मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक क्रैश, डॉलर गया, उसके बाद में इजराइल आएगा, जैसे कोहली का कैप्टनशिप छीन लिए ना तो रोहित शर्मा आया, वैसे ही इंग्लैंड का कैप्टनशिप अमेरिका ने छीना, अमेरिका कैप्टनशिप छीना जाएगा, और पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आएगा, पैसा जाला खोटा नहीं, पाउस आला मोटा, कुठून आईचा डोळ्यातून, माँ के आंखों से खून के आंसू आ रहे, रक्ताचा पाऊस, कळलं तुम्हाला, मराठा जय महाराष्ट्र निर्माता। महादेव ने महाराष्ट्र का निर्माता है, महादेव ने ही उसको बनाया है, ये पूरा राष्ट्र, एक ही भगवान चलाता है, उसका नाम अल्लाह है, ठीक है। मुसलमानों, तुम शिया सुन्नी वहाबी का केला चूसते रहो, फिरका परस मुल्लो, हमें तो फिरका परस मुल्लो ने लूटा है, ध्रुव राठी से चूतिये में कहां दम था, समझ में आया।
तो ध्रुव राठी की वीडियोस देखो, उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि रशिया आतंकवादी है। रशिया आतंकवादी नहीं है, रशिया को जिसने उंगली किया वो यूक्रेन है, और यूक्रेन ने किसकी बात में फंस गया, अमेरिका, अमेरिका साथ छोड़ दिया। ये झूठे लोग है, धोखेबाज लोग है, अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, इंडिया का को साथ देगा, इंडिया क्या चूतिया दिख रहे थे वो, ना लेना ना देना फुकट का शिवसेना, हाँ हट ऐसा घो तुझा। तो जितने भी मेरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब लोग रहते हैं, वर्ल्ड वॉर थ्री होगा तो हमारा खाना पीना हगना मुतना सब हराम हो जाएगा, पैसे है नहीं, मैं गरीबों का पीएम हूं। तुम एक भगवान को मानो जिसको किसी ने नहीं देखा, और आपस में लड़ो मत, ठीक है। अगर तुम आपस में लड़ते हो तो हमारे देश के अंदर भी जो चोर है ना चौकीदार, वो अंबानी का चौकीदार है, देश का नहीं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का धोखा देकर गुंडा राष्ट्र बना दिया है। तो प्लीज ध्रुव राठी के जितने भी फॉलोअर्स है इसको शेयर करो प्लीज यार, मैं भी गरीब इंसान हूं यार, मैं भी इंडियन हूं, है ना, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, दो चार दिन का मेहमान, वर्ल्ड वॉर थ्री आने वाला है, रशिया इज हीरो मैन, रशिया इज हीरो। हाँ ध्रुव राठी, व्हाई आर यू ट्राइंग टू कंसिडर हिम एज जीरो, व्हाई आर यू डिफेमिंग रशिया, जिसने अफगानिस्तान को कत्ल किया, जिसने सीरिया यमन फिलिस्तीन को कत्ल किया, वो तो नेटो है और नेटो से लड़ाई चल रही है। नेटो चाहता है वन वर्ल्ड ऑर्डर आए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए, और रशिया बोलता है हम तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है, झुकेगा नहीं साला, हम महादेव के भक्त, पुष्पा के अब्बा, रिश्ते में पुष्पा के अब्बा है, बहादुरी में पुष्पा के अब्बा है, हम कह रहे हैं महादेव के अलावा किसी के आगे झुकेगा नहीं सारा, समझ में आया सारा। अपने ऊपर से काला अंदर से एकदम रावस। तो प्लीज जितने भी गरीब लोग हैं, वर्ल्ड वॉर थ्री आएगा ना तो बिल्डिंग उड़ उड़ के जाएगी तुम्हारे ऊपर, और तुम टोमेटो केचप हो जाएगा तुम्हारा। यूक्रेन में चालू हो गया, अब ये अमेरिका चाह रही है कि कहीं से मोदी जी कुछ कर दे, पूरा बवाल इंडिया पे आ जाए, और हम फिर पूरे दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर वॉर कर दे, चाइना दुश्मन बना हुआ है ना, रशिया अमेरिका का दुश्मन, यूक्रेन का दुश्मन, नेटो का दुश्मन, है ना, और अमेरिका का दुश्मन चाइना है ना, चाइना हमारा दुश्मन बना बैठा है ना, और हमारे देश के अंदर बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे है ना, तो ये सब पैसे के पुजारी है, समझ में आया। महादेव के जो पुजारी है, जो भक्त लोग है, प्लीज हमारे चैनल पे आइए, वरना अपनी मां छुदाइए, ठीक है।